ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا وبشيرنا ونذيرنا ومعصومنا وزهورنا ومخدومنا ومحبوبنا ونورنا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين फनाफिल्ला की तह में बका का राज मुजमिर है जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख एहसान है और करम है कि उस ज़ात पाक ने हमें इस महफिल में इस बाबरकत प्रोग्राम में इस बज़्म अदम में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला के कलाम में से मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है और अल्लाह तबारक व ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक और सच कहने की और हम सबको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है इस आयत का जो तर्जमा है कि हकीकत ये है कि अल्लाह पाक किसी कौम के हाल को उस वक्त नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने औसाफ अपने हाल को खुद नहीं बदलती। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द ला। और जब अल्लाह पाक किसी कौम के हाल को किसी कौम की पर शामत या मुसीबत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टलती। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ और ना अल्लाह पाक के मुकाबला में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। अजीजाने मोहतरम आज मेरी तकरीर का उनवान है 14 अगस्त आज़ादी वतन आज़ादी मिलत यानी तजदीद आहद आहद का दिन। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है इस्लामी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ एक इस्लामी रियासत बना और 14 अगस्त हमारी तारीख का यादगार दिन है। ये वो दिन है जिस दिन एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का क़ियाम अमल में आया। शायद नई नस्ल को इस बात का इल्म ना हो कि उस आज़ादी के लिए मुसलमानों ने हिंद ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी।
कितने उलमा को जेलों में डाला गया, कितने अहले हक को वतन से जलावतन किया गया, कितनी बहनों और बेटियों की इज्जतें पामाल की गईं, कितनी सुहागनों के सामने उनके सुहाग उनके शौहर मौत के घाट उतार दिए गए, कितने शौहरों के सामने मर्दों के सामने खामदों के सामने उनकी बीवियों की असमत दरी इफ्फत और असमत की धजियां उड़ा दी गईं। आजादी का ये सफर फूलों की सेज पर नहीं किया गया बल्कि कांटों की बाढ़ पर तय हुआ था। अजीजान मोहतरम आजादी के हसूल के लिए हमारे बुजुर्गों को खून और आग के दरिया से गुजरना पड़ा था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे तुझसे सरकश हो कोई तो बिगड़ जाते थे तय क्या चीज है हम तो तोप से लड़ जाते थे नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने मगर सच्ची बात तो ये है कि हमने आज़ादी की नेमत की कोई कदर नहीं की वैसे तो हम बड़े जोश और जज्बे के साथ गोल्डन जुबली भी मना चुके हैं और हर साल 14 अगस्त को पूरे मुल्क को झंडियों और झंडियों से भी सजाते हैं सरकारी इमारतों पर सरकारी पैसे से चरागाह भी करते रहते हैं जलसे और जलूस भी होते रहते हैं अमल से खाली तकरीरें बयानात भी होते रहते हैं लीडरान कराम अपने बयानात अपने तकारीर भी जारी करते रहते हैं मगर जब हम आज़ादी के इतने सालों बाद संजीदगी से नज़र डालते हैं तो हम अपनी कामयाबियों की खुशी कम और नाकामियों के गम ज्यादा महसूस करते हैं हमारे बुजुर्गों ने तरीके पाकिस्तान के वक्त अपने रब और अपनी कौम से जो वादे किए थे हमने वो वादे पूरे नहीं किए हमने मिन हाइसुल कौम अपने रब से ये अहद किया था कि परवरदिगार इस पाक जर जमीन पर हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे यहाँ समाजी मुसावात भी होगी यहाँ माशी अदल भी होगा यहाँ इस्लामी अखुवत भी होगी यहाँ इंसानी हकूक का तहफ़ किया जाएगा यहाँ जुल्म और इहतसाल की हर सूरत का खात्मा कर दिया जाएगा हमने नारा भी लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हमने ये ऐलान किया था कि हम कशकोल गदाई तोड़ डालेंगे हम लोगों से कर्जे नहीं मांगेंगे अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे हमने वादा किया था कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से अपना मुल्क चलाएंगे आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज आ गया ऐन लड़ाई में वक्त नमाज किबला रू हो के जमी बस हुई कौम हिजाज एक ही सफ में खड़े हुए महमूद आयाज ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज बंदा वो साहिब मोहताज बनी एक हुए तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए
मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हजरत अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं जो हमें अपने जाने से पहले ये हमें समझा गए थे, हमें बता गए थे, लेकिन सीने पर हाथ रख के बताइए कि उनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो हमने पूरा किया है। हकीकत तो यह है कि हमने अपने रब से भी बेवफाई की है और अपनी कौम से भी बेवफाई की है। क्या ये हकीकत नहीं है कि इतने साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाम का पाक कानून नाफिज नहीं हो सका? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे यहाँ माशी लूट खसूट का दौर दौरा है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे थानों और हमारी अदालतों में कानून बिकता है? क्या ये हकीकत नहीं है कि रिश्वत के बगैर कोई जायज काम भी नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे यहाँ शरीफों को दबाया जाता है और जलीलों को ऊंची मसनदों पर बिठाया जाता है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे आला ऐवानों में मुअज्जज मिंबरान की भीड़ भेड़ बकरियों की तरह बकायदा बोली भी लगती है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज हमारे अंदर इज्तमाइयत खत्म हो चुकी है? हर शख्स अपनी जात के गम में मुबतला है, हर शख्स का किबला अलहदा है, हर शख्स की जमात अलहदा है, हर शख्स का मसलक अलहदा है। क्या यह हकीकत नहीं है कि हम मजहब के नाम पर एक दूसरे का खून बेदरीग बहाते हैं? हम मसलक के ऊपर एक दूसरों से लड़ते रहते हैं। ये सारी की सारी दुश्मन की चाल है। वो हमें टुकड़ों में बांटना चाहता है, वो हमें मारना चाहता है, वो हमें दुश्मन ख़त्म करना चाहता है कि किसी तरीके से मुसलमान आपस में इत्तेहाद ना कर बैठें, किसी तरीके से मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर ना चलें, किसी तरीके से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और तुम ही बुलंद होंगे अगर तुम्हारे अंदर ईमान पक्का है, तुम्हारे अंदर अगर ईमान सच्चा है, तुम ही बुलंद होंगे। दुनिया में तुम्हारी हुकूमत होगी, दुनिया में तुम्हारा रौब और दबदबा होगा, दुनिया में तुम्हारे अंदर ईमान मजबूत होगा, तो दुश्मन तुमसे डरेंगे। लेकिन दुश्मन चाहता है कि किसी तरीके से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुसलमानों की इज्तमाइयत, मुसलमान इज्तमाइयत की हालत में ख़त्म नहीं हो सके। इसलिए दुश्मन ने चाल चली है, हमें टुकड़ों में बांट दिया है, हमें कौमों में बांट दिया है। हम अपनी कौमों पर फख्र करते हैं, हम अपनी जातों पर फख्र करते हैं, हम अपने मसलकों पर फख्र करते हैं। अल्लाह के नज़दीक हम अलग अलग हैं, हम अलग अलग हो गए हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया है, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकु। अल्लाह फरमाते हैं, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, आपस में फिरके फिरके ना बनो, टुकड़े टुकड़े ना बनो, जमातें जमातें ना बनो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुश्मन की चाल है, वो कामयाब हो रहा है। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को मुत्तहिद कर लें, हम अपने इत्तेहाद को कायम कर लें। क्या खूब शायर मशरिक ने कहा है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वजह में तुम नसारा हो तो तमद्दुन में हो हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।
क्या ये हकीकत नहीं है कि हम सारी दुनिया के सामने कशकोल गदाई लिए फिर रहे हैं, लोगों से हम कर्जा मांग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा ले रहे हैं, IMF से हम कर्जा ले रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि मुल्की वसाइल पर चंद खानदानों का कब्जा है, क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारा सारा मीडिया नई नस्ल को क़ियाम पाकिस्तान के मकासद से दूर ले जाने में मसरूफ है और मीडिया हमारी नस्ल को बेहयाई और फहाशी फैलाने में मसरूफ है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान अजीज साथियों, आओ अल्लाह के बंदो, आज हम आज के दिन एक बार फिर हम ऐद कर लें, हम मुल्क को, वतन अजीज को इस्लाम की आला इकतदार का बदहवारा बनाकर दम लेंगे। हम इस मुल्क से रिश्वत सतानी अकरबा परवरी की हर सूरत को ख़त्म कर देंगे। हम तो खुद ही किसी बदउनवानी में मुलव्वस होंगे, ना किसी और को मुलव्वस होने देंगे। हम इस मुल्क को लुटेरों, डाकुओं और दीन के दुश्मनों, अल्लाह के दुश्मनों, अल्लाह के नबी के दुश्मनों से पाक किए बगैर सुकून का सांस नहीं लेंगे। अकल है तेरी, सुपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारे मादर मिल्लत वतन को हर तरह की अंदरूनी व बैरूनी हर किस्म से मुकम्मल साजिशों से हिफाजत फरमाए और पूरे के पूरे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला आलम इस्लाम की खैर फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की औलादों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक मसाजिद मदारिस और मकातिब और दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।